नाजरीन दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी।
और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद
मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी।
और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद
मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी।
और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद
मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। किले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे। उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी,
जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। गिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया मोमिन की इस बेबसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माया एक वीडियो जारी करेगी जिसमें वो इकरार करेगी कि उसने मोमिन पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठे और बेबुनियाद थे, उसने मोमिन पर बहतान लगाया था क्योंकि वो मोमिन को पसंद करती थी। ये वीडियो जब माया की वालदा देखेगी तो उसे हार्ट अटैक होगा जिससे उसकी मौत वाकया हो जाएगी, जिस तरह मोमिन के वालिद की हुई थी। और दूसरी जानब मोमिन ये वीडियो देखने के बाद बहुत हैरान होगा और मोमिन की वालदा मोमिन से कहेगी कि बेटा ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अब ये लड़की कैसे लोगों का सामना कर पाएगी। और जब मोमिन वो वीडियो लेकर आशी के घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि आशी का निकाह फखर के साथ हो चुका है। तो आशी मोमिन से कहेगी ये सारी मेरी तुम पर बेएतबारी की सजा है, अब मुझे ऐसे ही जिंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन क्या आशी की शादी फखर के साथ होने के बाद मोमिन की शादी माया के साथ हो सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।